नेक्स्ट हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ए गोजला, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज प्लस 50 वोल्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर इज 50 वोल्ट प्लस, ये डिस्टेंस गिवन आपको, इट इज पोटेंशियल वी, तो आपको चार्ज का वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम पोटेंशियल निकालते हैं उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, या इसको के ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से चार्ज निकालें तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, इट इज वी आर बाई के ले सकता हूँ मैं, ये कंप्लीट के होता है हमारा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वी का वैल्यू गिवन है प्लस 50, आर गिवन है 0.1 मीटर, डिवाइड बाई के का वैल्यू होता है 9×10⁻¹। तो जब उसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा प्लस 0.55×10⁻¹⁹ कूलम्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू राइट कीजिए, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्सेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। आपको एक क्यूब गिवन है जिसके हर कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ईच कॉर्नर पे हमने क्या रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, और इसका साइड ए है, हर एक साइड ए है, और ईच कॉर्नर पे इन्होंने क्या किया हुआ है प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। तो आपको निकालना है कि जो क्यूब है इसके सेंटर पे कितना वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे दिस इज द पॉइंट ओ ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ओ। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिएगा हमको, कि हर कॉर्नर से इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। अगर हम डायगोनल निकालें, अगर डायगोनल निकाला जाए, डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना वैल्यू होता है, अंडर द रूट इट इज 3a² दिस इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो a को निकालिएगा, इट इज a अंडर रूट है 3। ये वैल्यू आ गई कंप्लीट डायगोनल की, जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो आर का वैल्यू कितना होगा, इस डायगोनल का हाफ कर दीजिएगा बाई 2। ठीक है, अगर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, V1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू होगा के क्यू बाई आर। तो के क्यू कितना है प्लस क्यू गिवन है आपको, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है ए अंडर रूट 3/2। ये तो हो गया सिंगल चार्ज की वजह से कितना वैल्यू होगा, हमारे पास कंप्लीट 8 चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू, देखिए सभी का वैल्यू बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 8 टाइम्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 8 चार्जेस हैं। तो नेट वैल्यू कितना होगा वी का, वी इज इक्वल टू के का वैल्यू लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाई बाई 8 यहाँ पे है बाई ए अंडर रूट 3/2। तो 2 को ऊपर ले जाइएगा तो कितना वैल्यू होगा, वी इज इक्वल टू 16Q/4π एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर पॉइंट ओ। अब हमको निकालना सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। अगर ध्यान से देखिए, हर चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट होगा हर एक कॉर्नर के अपोजिट चार्जेस की वजह से।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री लिखिए। ए चार्ज ऑफ एट मिली कॉलम इज लोकेटेड एट द ओरिजन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज -2 × 10⁻⁹ कॉलम्स फ्रॉम द पॉइंट ए 0 0 3 टू पॉइंट बी 0 4 0। ये सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। वाया ए पॉइंट सी इज गिवन 0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। दोबारा देखिएगा, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कॉलम्स इज लोकेटेड एट द ओरिजन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कॉलम्स फ्रॉम द पॉइंट ए 0 0 3 सेंटीमीटर टू 0 4 सेंटीमीटर 0 वाया पॉइंट सी, सी इज गिवन। तो आपको निकालना है इस दौरान कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम बना लेते हैं। इट इज से ये एक्स मान लेते हैं, इट इज वाई, इट इज जेड, ये पॉइंट ओ है। तो ओ पे हमने चार्ज क्यू रखा भी, इट इज क्यू चार्ज, इसको मान लेते हैं इट इज क्यू चार्ज। क्यूब का वैल्यू है 8 मिली कॉलम, मिली नहीं चाहिए, 10⁻³ कॉलम्स। ये कोई टेस्ट चार्ज है, इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, इट इज क्यू नोट। तो क्यू नोट चार्ज को घुमा रहे हैं ए से बी तक वाया सी। तो ए पॉइंट कहाँ पे होगा इस डायग्राम के अंदर? देखिए, ए पॉइंट है 0 0 3, जेड पे कितना वैल्यू आएगा? 3। तो ए पॉइंट कितना है यहाँ पे? इट इज ए पॉइंट, इट इज 0 0 3, यहाँ तक कितना है ये? 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बी पॉइंट कितना है? 0 4 0, इस पॉइंट पे ये पॉइंट बी है 0 4 0, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर का। और सी पॉइंट है 0 6 9, तो 6 पॉइंट कहीं पे यहीं पे हो सकता है, 6 और 9 यहीं पे हो सकता है। इट इज सी, इट इज 0 6 9। तो आपको चार्ज लेके जाना है सी से, फिर वापस कहाँ पे जाना है? बी पे। तो इस दौरान कितना वर्डन करना पड़ा, ये आपको निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए, जो फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड ए फाइनल पॉइंट। कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, यानी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो सिंपल से आपको इन दोनों के दौरान जो वर्क हुआ है वही निकालना है। देखो कैसे करेंगे, वर्क के लिए क्या करेंगे हम, कंप्लीट सिस्टम में से कॉमन निकाल लेंगे, 1/4 πε₀ Q₀। यहाँ पे देखिए, इट इज 1/4 − 1/3। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, 10⁻²⁺ कर लेते हैं इन मीटर के अंदर। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू होगा 9 10⁻⁹, क्यू गिवन है 8 10⁻³, क्यू नोट गिवन है −2 10⁻⁹, और ये वैल्यू सोल्व करके कितना आएगा? 3 10⁻²⁴ − 4 10⁻², डिवाइड बाई 12 10⁻⁴। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर W = 1.2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। टू चार्जेस
3 10 की पावर माइनस 8 कॉलम्स एंड माइनस 2 10 की पावर माइनस 8 कॉलम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? जीरो. टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो. दोबारा क्वेश्चन देखिए. टू चार्जेस 3 10 की पावर माइनस 8 कॉलम्स एंड माइनस 2 10 की पावर माइनस 8 कॉलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. कितना होना चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू? जीरो. तो सिंपल है, कैसे निकालिएगा? देखिए, दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास, ये Q1 मान लेते हैं. कितना है? 3 Q1 इज, यहाँ पे ले लेते हैं इट इज Q1. ये कितना है? Q2. ये डिस्टेंस ले लेता हूँ R, सेंटीमीटर में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 10 की पावर माइनस 2 मीटर. तो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q1, यहाँ पे चार्ज रखा Q2, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर और बीच में मैंने कोई पॉइंट मान लिया कहीं पे भी, इट इज़ अ पॉइंट C. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C. ये C पॉइंट Q1 से x डिस्टेंस पे है या x सेंटीमीटर पे है और ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? इट इज 15 माइनस x, 15 माइनस x. सिंपल है, दो पोटेंशियल निकालने हैं आपको. इट इज फॉर V1 फॉर Q1 एंड V2 फॉर Q2 एट पॉइंट C. तो अगर नेट पोटेंशियल की बात करें, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सिंपल है, V1 प्लस V2 लिखेंगे और नेट पोटेंशियल में कितना दे रखा है? नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो. जीरो इज इक्वल टू V1 कितना आएगा इसकी वजह से? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1. डिस्टेंस कितना है? x. माइनस लेंगे क्योंकि चार्ज Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे एक बार. एक बार लिख देता हूँ Q1 प्लस Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय 15 माइनस x. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2, 0 इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लेते हैं, ये सारा कॉमन है, k ले लेता हूँ, k कॉमन है, कॉन्स्टेंट k. Q1 का वैल्यू कितना है? 3 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x, x भी सेंटीमीटर में लिया हम लोगों ने तो x इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में ले लेता हूँ, माइनस Q2. माइनस क्यों लिया? चार्ज ये माइनस का है 2 10 की पावर माइनस 8 बाई 15 माइनस x 10 की पावर माइनस 2, ये मीटर में कन्वर्ट किया हम लोगों ने इसको. के जब इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा वैल्यू. इसको मैं कैसे ले सकता हूँ इस पूरे टर्म को? ये यहाँ पे जीरो हो गया तो बचा क्या है यहाँ पे? देखिए, 3 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 10 की पावर माइनस 8 15 इंटू 10 15 माइनस x 10 की पावर है माइनस 2. पावर को काट देते हैं एक बार दोनों तरफ से, 8 से 8 कट गया, माइनस 2 से माइनस 2 काटा तो 3 बाई एक्स यहाँ पे बचा, 2 बाई 15 माइनस एक्स. तो इससे हम x निकाल सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस से मल्टीप्लाई. तो कितना आएगा? 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x. तो इस तरफ ले जाएंगे तो 45 इज इक्वल टू 5x और x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन नंबर 5. 4 पॉइंट चार्जेज प्लस 1 माइक्रो कॉलम, प्लस 1 माइक्रो कॉलम, माइनस 1 माइक्रो कॉलम एंड माइनस 1 माइक्रो कॉलम are placed at the corner A B C D of the square
ईच साइड ऑफ ईच साइड इज 0.1 meter. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वेयर. ओके, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वेयर. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई. ओ टू ई, तो डायग्राम देखिएगा एक बार. हमारे पास एक स्क्वेयर है, इट इज ए बी सी डी. यहाँ पे है प्लस वन कॉलम, वन माइक्रो कॉलम. यहाँ पे भी प्लस वन माइक्रो कॉलम. सी पॉइंट पे माइनस वन माइक्रो कॉलम. डी पे माइनस वन माइक्रो कॉलम. और हर साइड कितना दे रखा है आपको, इट इज 0.1 meter. पहला क्वेश्चन तो ये है, इसके मिड पॉइंट पे आपको निकालना है. मिड पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, इट इज द पॉइंट ओ. ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है इन्होंने, उसमें पूछ रखा है आपको निकालना है एट द ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ई क्या है आपका, ये मान लेते ई है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी. एंड व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई. तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में आपको कितना वर्क करना होगा, तो ये अभी आपको वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो पहले हम पॉइंट ओ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद ई पे निकालेंगे वैल्यूज. तो आपको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, देखिए चार चार चीज हैं, चारों की वजह से इस पे कितना वैल्यू होगा, तो सिंपल ही है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, हमें डिस्टेंस चाहिए O से A, O से B, O से C, O से D. अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए जो O A ये सभी के लिए बराबर डिस्टेंसेज होंगी हमारी, लिख सकते हैं. अब देखिए ये जो डायगनल है पूरा, इट इज़ ओ सी. अगर मैं ओ सी निकालना चाहता हूँ, सॉरी ए सी निकालना चाहता हूँ, ए सी इज इक्वल टू, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ये वैल्यू हुआ हमारे पास 2 under root, लिख सकते हैं ए अंडर रूट 2. ये वैल्यू होगी हमारी ए सी की, ए सी कंप्लीट. लेकिन जो मैं निकालना है ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी, सभी वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी. तो लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. ये क्या होगा, ए सी का हाफ हो सकता है, ए सी का हाफ. तो ए सी का हाफ कितना लिखेंगे, ए बाई टू अंडर रूट 2, लिख सकता हूँ ए बाई अंडर रूट 2. तो हमारे पास वैल्यू मिल गई हमको ओ ए की, ओ बी की, ओ सी की और ओ डी की. तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू, सभी पोटेंशियल्स के अंदर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K, उसकी वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं. K बाहर निकाल लिया, फर्स्ट चार्ज Q1 डिस्टेंस ए ओ, सेकेंड चार्ज Q2 डिस्टेंस ओ बी, थर्ड चार्ज Q3 डिस्टेंस ओ सी, फोर्थ चार्ज Q4 डिस्टेंस ओ डी. ठीक है, तो V इज इक्वल टू K का वैल्यू, K को K रहने देते हैं अभी. Q1 का वैल्यू कितना, देखिए Q1 माइक्रो कॉलम्स, भी सभी माइक्रो में, तो माइक्रो में लिख देता हूँ 1 microcoulombs माइनस 6 ओ ए ए अंडर रूट 2 प्लस A2 कितना है, Q2 चार्ज कितना है, ये भी क्या है 1 microcoulombs माइनस 6 ए बाई अंडर रूट 2 प्लस Q3 कितना है, अभी Q3 का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 110 की पावर माइनस 6 ए बाई अंडर रूट 2 माइनस 110 की पावर माइनस 6 ए बाई अंडर रूट 2. अब देखिए कंप्लीट आपस में कैंसिल कर देंगे तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो एट पॉइंट ओ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें निकालना है ई और ओ से ई तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, इस दौरान हमको कितना वर्क करना होगा. तो एक बार इस पर हमने चेक कर लिया नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0.
स्पोर चेक कर लेते हैं कितना पोटेंशियल होगा और डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, इसका वर्क निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए इस चार्ज की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये डिस्टेंस हम ये यूज करेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से ये डिस्टेंस यूज करेंगे, हो जाएगा। तो हमें चेक करना है यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए ई, इसको मैं वी ई ले लेता हूँ, ये आपको निकालना है। इसके लिए पहले हमको चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई, दोनों बराबर होंगे। अब देखो भाई जो बी ई है इसका वैल्यू कितना है, बी ई इज इक्वल टू ये डिस्टेंस का हाफ है, इट इज ए बाई टू। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, इन द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी ई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई, ए ई का वैल्यू कितना होगा, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई फोर, ए स्क्वेयर बाई फोर, इसका स्क्वेयर कर लेंगे बी ई का स्क्वेयर, तो ये वैल्यू कितना हुआ, ए इज इक्वल टू इट इज 5 बाई फोर ए स्क्वेयर, तो इसको ए बाई टू अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, ए बाई टू अंडर रूट है 5। ए ई जो वैल्यू है यही वैल्यू किसका है, डी ई का वैल्यू भी यही है, लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू डी ई। तो आपको निकालना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू द फोर चार्जेस, इट इज वी ई इज इक्वल टू, पहले ड्यू टू वी वन कॉमन वही वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा सभी में से, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसकी वजह से निकाल रहा है यहाँ पे, इट इज से Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज AE प्लस Q2 ये है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज A/2 प्लस, इसको ले लेते हैं एक बार, BE, फिर निकालते हैं Q3, डिस्टेंस कितना है, क्यू ये चार्ज 3 यहाँ पे है, इट इज अगेन CE प्लस Q4, डिस्टेंस कितना है 4 का, ये आपका 1.4 है, इट इज DE, इट इज ए डी ई, वैल्यू पुट करें देखिए, वी इज इक्वल टू, सो के ले लेते हैं, Q1 कितना है, इट इज 1 प्लस का माइक्रो कॉलम 10^-6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई, ए ई है A/2 अंडर रूट 5 प्लस Q2 कितना वैल्यू है, प्लस 1 अगेन 10^-6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज A/2, डिस्टेंस कितना है A/2 माइनस Q3 का वैल्यू माइनस का है 110^-6 डिवाइड बाय A/2 माइनस अगेन 110^-6 डिवाइड बाय A/2 अंडर रूट है 5, A/2 अंडर रूट है 5, इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट E इज इक्वल टू 0, और नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O ये भी कितना था, ये भी 0 था, यहाँ पे भी पोटेंशियल का वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल जाने में हमको कोई ओवरटर्न नहीं करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चलने में नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज शोज इन द डायग्राम, आपको डायग्राम गिवन है, डायग्राम देखिए, आपको एक स्क्वेयर गिवन है, स्क्वेयर में यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, डिस्टेंस हर एक साइड का कितना है ए, और आपको ये निकाला, ये गिवन है डायगोनल्स, निकाल भी सकते हैं हम लोग, तो आपको निकालना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेज, सिंपल है अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था हमारा, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
समेशन एन चार्जेस के लिए क्यू आई क्यू जे डिवाइड बाई आर आई जे आई फ्रॉम वन टू एन जे फ्रॉम वन टू एन एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे इन द पेयर्स वे. ओके, ये फार्मूला भी यूज करेंगे, हर एक का निकालेंगे वैल्यूज के साथ कितना वैल्यू होगा. देखिए सभी के अंदर कॉमन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 1/4 πε0 सभी में कॉमन है इनटू किसके बीच में निकालना, पहले देखिए इन दोनों के बीच का निकालो तो क्या लिखोगे, क्यू प्लस क्यू इनटू प्लस क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, सॉरी ए डिवाइड बाई ए. अब निकालो इसके इसके बीच का कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू बाई ए. फिर निकालिए इसके और इसके बीच का, कैसे निकालोगे या एक बार क्या कर लेते हैं, सभी में इंडिविजुअल निकाल लेते हैं. ये हो गया दो इसके लिए इसके लिए. अब निकालते हैं इसके और इसके बीच का कितना होगा, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई ए. फिर निकालते हैं इस चार्ज के बीच का और इस चार्ज के बीच का, प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई ए. ये होगी हर साइड के साथ में. अब इनके और इसके बीच का कितना होगा, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू. ये वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर द रूट, तो इट इज ए अंडर रूट टू प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी. कैसे निकालोगे देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू अगेन ए अंडर रूट टू. ओके, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये सभी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये कंप्लीट क्यू स्क्वेयर बाई ए, इट इज माइनस क्यू स्क्वेयर बाई ए, इट इज क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर बाई ए, इट इज प्लस क्यू स्क्वेयर बाई ए. किसे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो देखिए, इट इज माइनस क्यू स्क्वेयर 1/4 πε0 यहाँ पे होगा माइनस क्यू स्क्वेयर बाई ए अंडर रूट टू माइनस क्यू स्क्वेयर बाई ए अंडर रूट टू. ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 πε0 डबल हो गई 2q² / a√2. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायग्राम. क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पॉइंट चार्ज +1 + 10 μC इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 cm डायरेक्टली अबो द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर, सेंटर ऑफ द स्क्वेयर ऑफ साइड 10 cm एज शोज इन द डायग्राम. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वेयर, थ्रू द स्क्वेयर. सिंपल है भी, एक साइड एक आपको दिया हुआ है स्क्वेयर का साइड बराबर है कितना, हर एक 10 cm का साइड है, इससे बिल्कुल ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कितने डिस्टेंस के ऊपर, 5 cm के ऊपर 10 μC प्लस चार्ज. तो आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना होगा इसके दौरान. देखिए ये गोजला का पॉइंट बनता है, ये ओपन सरफेस पे है ये चार्ज, तो ये अप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब को कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड है. ये जो नीचे वाली साइड है ये आपको गिवन है, हर एक कितना है इसका 10 cm और इससे कितने डिस्टेंस पे है, 5 cm पे हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ, प्लस क्यू चार्ज. तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, वी कंसीडर ए गोजियन सरफेस क्यूब. तो हम निकालना चाहते हैं इस पूरे क्यूब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गोजला। तो सिंपल है, तो चार्ज जो हमारा गिवन हमको कितना वैल्यू है चार्ज का, इट इज 10 माइक्रो कोलम्स माइनस 6 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट इज 8.85 10 की पावर माइनस 12। ये हो गया कंप्लीट क्यूब की वजह से, लेकिन हमको एक सिर्फ एक सिंगल फेज दिया हुआ है, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन फेज इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा क्यूब का था तो 1/6 और कर देते हैं यहाँ पे, इट इज 1/6 10 की पावर माइनस 6 8.85 10 की पावर माइनस 12। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर फ्लक्स इज इक्वल टू 1.88 10 की पावर 5 न्यूटन्स मीटर स्क्वेयर पर कोलम्स में। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द वन साइड या वन फेज ऑफ द क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है 80 माइक्रो सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वेयर, माइक्रो कोलम पर मीटर स्क्वेयर, फाइंड द चार्ज ऑन द सफियर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द सफियर, सेकंड है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग इन द सरफेस ऑफ द सफियर। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर d इज गिवन, रेडियस r हो सकता है d/2, इट इज 1.2 मीटर, और आपको गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो में चेंज कर लेते हैं मीटर के अंदर, माइनस 6 कूलम्स पर मीटर स्क्वेयर। ओके, तो आपको निकालना है चार्ज ऑन द सफियर, पहला क्वेश्चन है चार्ज ऑन द सफियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बटे एरिया, तो चार्ज बटे एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया द सफियर इज 4πr², तो चार्ज का वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², पुटिंग द वैल्यू सिग्मा इज 80 10 की पावर माइनस 6 4π 3.14r² 1.2 का स्क्वेयर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज, इट इज 1.4 10 की पावर माइनस 3 कोलम्स में। ओके भी 1.5 10 की पावर माइनस 3 कोलम्स। अब आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल है, फ्लक्स का फार्मूला होता है गोजला के अकॉर्डिंग q by epsilon naught, 5 इज इक्वल टू q का वैल्यू हमको गिवन है 1.4 10 की पावर माइनस 3 8.85 10 की पावर माइनस 12। आफ्टर सॉल्विंग 5 इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर 8 न्यूटन्स पर कोलम मीटर स्क्वेयर। दिस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 10 की पावर 4 न्यूटन्स पर कूलम्स एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपल है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, डिस्टेंस R गिवन है, मीटर में चाहिए 2 10 की पावर माइनस 2 मीटर कर सकते हैं। एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, इट इज E इज इक्वल टू कितना वैल्यू था, बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R।
इज इक्वल टू लेमडा बाई टू पाई एप्साइलोट बाई आर, तो आपको लेमडा निकालना है। लेमडा इज इक्वल टू टू पाई एप्साइलन नोट आर इन टू ई, तो सिंपल है भाई। लेमडा इज इक्वल टू टू 3.14 एप्साइल नोट 8.85 10 की पावर माइनस 12 आर इज गिवन टू 10 की पावर माइनस 2 और 9 10 की पावर 4। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 कोलम्स मीटर इनवर्स, कोलम्स मीटर इनवर्स, दिस इज द वैल्यू।